दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गिव मोनेस्ट्री है जहाँ पे मम्मीज है वो आपने सुना होगा। मैं तो ये फैमिली है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हमारी मैडम ने कहा है। तो अभी ताबो से हम जा रहे हैं कल्पा की तरफ, लेकिन बीच में पड़ती है गिव मोनेस्ट्री जहाँ पे मम्मी। अब चलो चलते हैं देखते हैं। ये दिखा रहा है हमें कि 15 मिनट लगेंगे, 8.1 किलोमीटर है। जब हम ताबो से जाते हैं कल्पा की तरफ तो लेफ्ट हैंड पे आपको गिव मोनेस्ट्री पड़ती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको देखनी चाहिए। फिर आगे हम नाको भी जाएंगे, नाको लेक भी रास्ते में ही पड़ती है ताबो टू कल्पा के बीच में। मैंने ऐसे पहाड़, मिट्टी वाले पहाड़ पहली बार देखे हैं। और आपको बता दूं यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अगर यहाँ बारिश हो जाए ना तो सारे के सारे पहाड़ सड़क के ऊपर आ जाएंगे। ये तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ बारिश नहीं होती है। वो सामने कैसे स्नेक की तरह पानी निकल रहा है अगर आपको दिख रहा है तो, और कैसे रखी है वो सामने देखिए, ऐसे ऐसे पानी ना निकल के रहा। हम जा रहे हैं अभी ताबो से कल्पा, रास्ते में ये दिखेगा। फ्रेंड ये रास्ता जा रहा है गिव मोनेस्ट्री के लिए जहाँ वो मम्मी के बारे में। देखिए सामने कितनी खूबसूरत व्यू आ रहा है, वैली टाइप में है ये। और यहाँ पे जो मम्मी रखी है वो देखेंगे हम। पहली बार हम यहाँ पे आ रहे हैं और अभी हम पहले काजा थे, काजा से हम ताबो आए, ताबो से हम जा रहे हैं कल्पा की तरफ। बीच में ये रहा हमें पड़ा है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं और आपसे शेयर करेंगे। काफी छोटी सी सड़क है, चढ़ाई काफी अच्छी है। तो गिव मोनेस्ट्री जाएंगे हम, वेलकम टू होम स्टे। यहाँ पर भी है होम स्टे तो पूरे ही मैंने देखा हर जगह पे। यहाँ अच्छा साफ सुथरा सा गांव है, रात ठहरनी है तो आप ठहर सकते हैं। तो वो हमें मोनेस्ट्री, जैसे ही इस टर्न से हम राइड करेंगे आपको बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। वो देखिए सामने पहाड़, हिमालय पर्वत खड़ा हुआ, और ये आ गई आपके सामने हमारी मोनेस्ट्री जिसके लिए हम आए हैं।
फ्रेंड फाइनली हम गिव मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, आप देखिए। बट ये बंद है, मम्मी इसके अंदर है, इधर इधर है, ये क्लोज है सर। तो अभी आए भी और ये बंद भी है, बट चलो हम आ गए। वहाँ पे कुछ है, कुछ वो मम्मी वो है। अच्छा अच्छा वो मम्मी दिखा, ये मम्मी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, वो मॉनेस्ट्री है आप देखिए। और ये है जो हम आपको लाए हैं मम्मीज के ब्लॉक के लिए। अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे। भैया रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, देखा प्रोग्राम तो मैं दिखा दूंगी सर। बाल भी वगैरह वैसे देखो, बाल देखो सर के, बाल भी है सर, देखो सर पे बाल देखो ना सर। आओ कैमरा दो, फोन दो। गिव मोनेस्ट्री आप लोग ये कर देंगे व्हाइट कलर का? हां बाल दाढ़ी लेके आए। अच्छा इसको कटर बोलते हैं, कटर। ये इसको कटर बोलते हैं। ये रेंडो जेमर जियान, ये किस लिए बांधते हैं भैया? ये हमारा यहाँ के लोग बांधते हैं, किन्नौर के लोग। अच्छा तो लोगों में हाँ ऐसे बढ़ते हैं। हाँ तब ऐसे करते हैं, इसी में है भी। नहीं नहीं कहीं ये बाने में हमने कहीं मिले थे खोते समय। फीमेल फीमेल है, मेल मेल मेल। अच्छा काफी ओल्ड वो है। ये बाल आपको निकालने वाले हैं, निकालने वाले हैं। जैसे इस साइड में लीजिए ना, नहीं नहीं सर पे लीजिए सर, सर पे। मोनेस्ट्री अभी बंद है, पर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत। जब भी आप मोनेस्ट्री वगैरह में जाते हो तो मैंने तो नोट किया है कि सफाई इतनी ज़्यादातर खूबसूरत होता है, नीट एंड क्लीन रखा जाता है चीज़ को, चाहे वो सिक्किम में हो चाहे लेह लद्दाख में हो। इसलिए मैं जब भी कभी आता हूँ तो एक बार ये मोनेस्ट्री में ज़रूर आता हूँ। ये हमारे यार दोस्त मिल गए यहाँ पे, एक वो भाई साहब मिल गए थे हमें। अब इंजीनियर है जो हार्डवेयर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। अच्छा अच्छा इंदौर में। हाँ तो उसमें मैं मैनेजर हूँ, ये सीनियर इंजीनियर है। अच्छा वेरी गुड, अरे वाह। और एक भाई मिल गए हमें, ये हिमाचल से ही हैं, सब्सक्राइबर भी हमारे। तो आप इस ब्लॉग में हम भाई साहब सबको कवर करेंगे। हेलो ठीक है, हम भी बड़ा अच्छा लगता है सब सब मिल जाते हैं। गुड गुड ठीक है, देखते रहना भैया। ठीक है ठीक है ठीक है।